Hello and welcome to the CSR Journal presents Brands Impact Safar Kamyabi Ka, Season 1 in association with Sakarni Plaster aur hamare fashion partner hain Absoluto, the finer side of fashion. Jo muskura raha hai, use zarur dard ne paala hoga, jo chal raha hai, uske paon mein zarur chhala hoga. Bina sangharsh ke chamak nahi milti, jo chal raha hai til til, usi diye mein ujala hoga. Namaskar. मैं हूं अमन यतन वर्मा. हमारा शो सफर कामयाबी का में आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं. कुछ दो दशक पहले एक जोशीला और महत्वाकांक्षी नौजवान जिसने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी थी कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ और पहले दिन जब जॉब पर गया, क्या आप यकीन करेंगे कि वो उस नौजवान की नौकरी का पहला और आखिरी दिन था? जी हां, आखिरी इसलिए क्योंकि उस नौजवान को पहले ही दिन यह एहसास हो गया कि जो सपने उसने देखे थे वो नौकरी करने से साकार नहीं होने वाले हैं. कहते हैं ऊपर वाला भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं. नौकरी का इरादा छोड़कर बिना किसी मार्गदर्शन के बिजनेस शुरू करने का रिस्क उठाने वाले इस नौजवान की मेहनत खूब रंग लाई. नतीजा यह रहा कि 1999 में शुरू हुई कंपनी भारत इंफोटेक आज सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी खूब नाम कमा रही है. भारत इंफोटेक के बाद इन्होंने दो और कंपनीज की स्थापना की जिनका नाम रिचर्शे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और शो टू क्लाइंट्स रखा गया. आज इनकी कंपनीज टॉप नॉच गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट कंपनीज को एंड टू एंड सॉल्यूशंस और आईटी सर्विसेज के जरिए उनके बिजनेसेस को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं. आइए स्वागत करते हैं मिस्टर हरीश के सैनी का, जो किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है. हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का. वी वेलकम यू ऑन द शो. इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी मेहनत के बल पर आज एक खास मुकाम हासिल किया है. हरीश जी, हम स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे शो सफर कामयाबी का पर. इससे पहले कि हम आपकी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में जानें और उससे प्रेरणा लें, जितने भी दर्शक हैं अब तक का आपको जो सफर है उसकी झलकियां वो देखना चाहेंगे. आइए देखते हैं. Wow, quite a journey. 300 square feet के किराए के ऑफिस से शुरुआत की थी आपने. Incredible. और आज आपकी कंपनी जो है उसके पास खुद की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहां से आप ऑपरेट करते हैं. अगर मैं गलत नहीं हूं, जिसको आपने फेमस बल्गेरियन आर्किटेक्ट निकोलस नोकोलोव से डिजाइन करवाया है, तो 300 स्क्वायर फीट के रेंटेड ऑफिस से मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग तक की जो कहानी है, किस तरह से आप यहां पे बयां करना चाहेंगे? द होल स्टोरी प्लीज. अमन जी, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. आई एम श्योर पूरी जर्नी बहुत दिलचस्प है और थ्रू आउट टाइम बहुत चैलेंजिंग भी रही. जी. एंड व्हाट आई थिंक इज दैट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कमिंग फ्रॉम 300 स्क्वायर फीट टू ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. जी. इट्स ऑल अबाउट चेजिंग योर ड्रीम. इट्स ऑल अबाउट फुलफिलिंग योर विजन दैट यू कैप्ट एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. अरे जी, किसी भी इंसान की लाइफ में अपनी सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने में एक मोटिवेशन या सक्सेस का एक मंत्र जो होता है, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका वो सक्सेस मंत्र जो है जिसकी वजह से आप आज इतने कामयाब हैं वो क्या है? एंड हु इज बिहाइंड दिस? अमन जी, मुझे एक बात हमेशा से महसूस हुई है कि जिस काम के अंदर सबका फायदा ना हो वो काम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए. क्या बात है. एक फिलॉसफी जो मैंने अपनी कंपनी में हमेशा से रखी डे वन से, वो है विन विन और विन. नॉर्मली हम लोग विन विन की बात करते हैं, लेकिन मैंने तीन जगह पे विन रखा. और जब मैंने अपना कंपनी स्टैब्लिश किया, लोगों को हायर किया, वेंडर से काम लेना शुरू किया, क्लाइंट के साथ में काम करना शुरू किया, तो आई रियलाइज दैट देर आर एटलीस्ट थ्री स्टेक होल्डर्स इन दिस होल प्रोसेस. जी. वन क्लाइंट ऑफकोर्स, दो मेंबर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जी, और तीन वेंडर्स जिनकी वजह से ये काम एग्जीक्यूट होता है हो रहा मार्केट में. अगर सिर्फ क्लाइंट का फायदा है
मेरा फायदा नहीं और वेंडर का फायदा नहीं. इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स नॉट अ बिजनेस एट ऑल. और अगर दो पार्टीज का फायदा और एक का स्टिल नुकसान है, इट्स स्टिल नॉट द बिजनेस. तो तीनों का फायदा होना चाहिए. बिजनेस मीन्स विन विन एंड विन. और जब आप तीनों के फायदे की बात सोचते हो ना, हमारे संस्कृत में एक बहुत पुराने किताब के अंदर लिखा हुआ था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. और आई थिंक सेम पॉलिसी अगर आप वहां से उठा लो तो भी, आप बिजनेस वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करो तो भी, इट्स द सेम. इट हैड टू बी विन विन एंड विन. बहुत खूब, बहुत खूब. आई थिंक ये बहुत कमाल की फिलॉसफी है. आपकी कंपनी रिसर्चे, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट करेक्ट, डिजिटल देश की लीडिंग मल्टीमीडिया कंपनीज में से एक तरह से मानी जाती है, जो अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रमोशंस और एंड टू एंड आईटी सॉल्यूशंस एक तरह से मुहैया करती है. अपने इन सर्विसेज के बारे में हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बताइए कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं और क्या है. इंटरेस्टिंगली एक्चुअल में ये सारी सर्विसेज हम लोग डे वन से देते आ रहे हैं, जब से हमने पहली कंपनी भारत इन्फोटेक एस्टैब्लिश की जी. और उतने ही इंटरेस्टिंगली जैसा हमारा विजन था, जब डे वन पे हमने अपनी कंपनी का विजन फॉर्म किया तो उस विजन में हमने इस बात को इंश्योर किया कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमारे बिजनेस हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लिया जाए. और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम लोग उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो मेरा बिजनेस किसी भी तरीके से वो पैसा कमाने वाला बिजनेस के तौर पे मैं नहीं देखता. आज भी उसे ऐसे नहीं देखता. मैं ऐसे देखता हूं कि उस चीज को कि मैं उनके साथ में, अपने क्लाइंट के साथ में स्पेशली, कैसे विजन पार्टनर बनके काम करूं. और जब आप किसी कंपनी के, किसी क्लाइंट के या किसी इंडस्ट्री के विजन पार्टनर हो जाते हो तो आप यू नो लॉन्गर ए वेंडर फॉर देम, यू आर अ पार्टनर फॉर देम फॉर दैट मैटर. सो जितने भी वेंडर्स मेरे साथ में आज काम करते हैं, दोज आर पार्टनर्स जी. जितने भी हमारे साथ में लोग काम करते हैं, दोज आर पार्टनर्स. पार्टनर्स कौन? जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म पे चलने को तैयार हो, जो आपको हर लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करने को तैयार हो, जो इंश्योर करें कि आप सक्सेसफुल हो अपनी बिजनेस में. हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है स्काई इज द लिमिट जी. एंड दैट इज ओनली मेंट फॉर द बिजनेसेस, बिजनेसमैन, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल में इकोनॉमी को चलाने में अपना 100% झोंक देते हैं. ये वो लोग हैं, स्पेशली एसएमबी की मैं बात करूं, अराउंड 60% जॉब जो है वो एसएमबी से आती हैं आज भी, हमारे देश में भी और बाहर में भी जी. उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरीके से हमारी कंपनी हमेशा तैयार रहती है, उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है हम लोग प्रोवाइड करते हैं. बट सरप्राइजिंगली ऐसा होता ही है रेगुलरली इनफैक्ट, कि हर एक चीज को एक टैग लगा दिया जाता है. वो टैगिंग सिस्टम क्या कहता है, मैं आपको अपनी शुरुआती दिनों की बात बताऊं कि जब हमने अपनी कंपनी शुरू की भारत इन्फोटेक, तो हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, अपने कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देते थे. और काफी सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए शुरू के दिनों में. उसमें जो एक एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा कामयाब हुआ वो था प्रेजेंटेशन का. प्रेजेंटेशन क्या जी? जिसे हम कहते हैं आज कंपनी प्रेजेंटेशन कहते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन कहते हैं. और वो प्रेजेंटेशन होती थी कि हम लोग मल्टी मीडिया में प्रेजेंटेशन बनाते थे और उनको देते थे, और वो अपने फर्दर क्लाइंट्स को देते थे. वो जो एक्सपेरिमेंट था उस जमाने में वो बहुत अच्छा हुआ. और वहीं से हमें टैग लगा इस बात का कि भारत इन्फोटेक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कंपनी. और वहीं से हमारी गूगल रैंकिंग भी बढ़नी शुरू हुई, कस्टमर से रेफरेंस भी इस बात का आने लगा, और स्लोली ग्रेजुअली हम पूरे देश में छा गए. और हमें ज्यादा जाना जाने लगा प्रेजेंटेशन मेकिंग कंपनी से वर्सेस एक आईटी कंपनी से वर्सेस एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी से. एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था, बट वहां से जो टैग चला तो वो भारत इन्फोटेक आज भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के नाम पे जाने जाते हैं. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इमीडिएटली सर्च में रिजल्ट मिलेगा भी. तो बट सॉल्यूशंस जो हम लोग उस दिन से देना चाहते थे, कंपनी का विजन आज भी सेम है कि आज भी हम बिजनेसमैन को और इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सभी तरह के सॉल्यूशंस देते हैं. आपकी कंपनी को हाल ही में गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें अब तक देश भर में लगभग 5,500 स्टार्टअप्स ही शामिल हो पाए हैं, विच इज एन इनक्रेडिबल फीट. इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ. आई फील ब्लेस्ड फॉर दैट मैटर, क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप रजिस्टर होने की कोशिश करते हैं, बट समहाउ वी मैनेज टू गेट इनसाइड द प्रोग्राम. और मैं इस मामले में तो जरूर मोदी सरकार की तारीफ ही करना चाहूंगा कि जिस ढंग से उन्होंने इस प्रोग्राम को, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को रन किया है, ये एक बहुत इनक्रेडिबल स्टेप है. और इसकी जरूरत बहुत पहले से महसूस हो रही थी. मैं वापस अपने पुराने दिनों को याद करूं, जब हमने भारत इन्फोटेक कंपनी स्टैब्लिश की थी तो उस जमाने का स्टार्टअप था मैं, अगर आज मैं इस टर्म को यूज करना चाहूं, क्योंकि बिल्कुल रॉ या जमीन से स्टार्ट करा
और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई इन्वायरमेंट नहीं था, और उसके बाद वहां से ग्रो करना शुरू किया. समहाउ आई मैनेज फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस. बट आज अगर हमारे पास वो हैंडी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से, तो आई थिंक इट्स अ इनक्रेडिबल स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. मैंने ये भी सुना है कि आपकी एक कंपनी जो है को कुछ इन्वेस्टर्स ने खुद ही अप्रोच किया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से भारत इंफ्राटेक से स्टार्टिंग किया, उसके बाद हमने दूसरी कंपनी फॉर्म की, रिसर्चर डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, और वो समाओ हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर रिकॉग्नाइज हुई जी. तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट अपने आप दिखाना शुरू किया. मुझे ध्यान है आज भी वो टाइम जब हम लोग फंड्स के लिए बड़े परेशान हुआ करते थे. शुरुआती दौर में बिजनेस उस लेवल पे नहीं था, लेकिन तब भी हमने समहाउ मैनेज किया, और तब भी हम सेल्फ फंडेड थे. आज भी हम सेल्फ फंडेड हैं, तो इसीलिए अच्छा जरूर लगता है जब आपके पास इन्वेस्टर्स आते हैं, आपको एक अच्छी फील आती है. बट आई थिंक दैट इज द प्लेस वेयर यू नीड टू फर्म एंड यू नीड टू चेक योर विजन एंड यू नीड टू चेक योर बैकग्राउंड कि आर यू दैट काइंड ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली रिक्वायर्स द फंडिंग. मेरे पास जितने भी प्लान्स हैं सो फार सो गुड, मेरे पास उतना फंड भी है, तो दैट मीन्स कि मुझे इमीडिएट फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट गोइंग फॉरवर्ड से अगर ऐसे कभी रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली वी गोइंग टू एंटरटेन दोज रिक्वेस्ट. मैं ये भी जानता हूं दैट यू आर वो कहते हैं ना अ सीरियल एंटरप्रेन्योर. आपने तीन कंपनीज की एक तरह से सफल स्थापना की है, और आने वाले कुछ समय में और भी कुछ कंपनीज हैं जिनको आप एस्टैब्लिश करने के बारे में इस समय सोच रहे हैं, तो उनके बारे में बताइए कि धड़ाधड़ एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इतनी सारी कंपनीज कैसे चालू कर पा रहे हैं? अमन जी, सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, करने में उतना ही चैलेंजिंग. आपकी मुस्कान बता रही है कि आई एम श्योर आप बहुत कंफर्टेबल हैं इसमें. बाकी जैसे मैंने कहा कि शायद माइंडसेट हमेशा से ऐसे ही रहा, एक स्टार्टअप की तरह काम करने का रहा. जैसे हमने फर्स्ट बिजनेस खोला, उसके बाद सेकंड खोला, उसके बाद थर्ड खोला. माइंड ही स्टार्टअप वाला माइंड है कि इसको इसी ढंग से चलना आता है. मैं बहुत हद तक कोशिश करता हूं कि एक पूरे बिजनेस को एस्टैब्लिश किया जाए, उसकी स्ट्रेटेजी बिल्डअप की जाए, उसके अराउंड पूरा एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में उसको सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे छोड़ दिया जाता है. उसके बाद आप अगली कंपनी, और उसके बाद अगली कंपनी, और फॉर दैट मैटर अगली कंपनी. प्रिपरेशन हर एक कंपनी के लिए आपको उतनी ही करनी पड़ती है. इट्स नेवर दैट इजी ऑल द टाइम. आपका जो एक्सपीरियंस है ऑफकोर्स वो हेल्प करता है, आपके कॉन्टैक्ट्स आपको हेल्प करते हैं, और जितनी भी आप नई कंपनी के बारे में सोचते हैं उसके पीछे एक आइडिया होता है, और आइडिया आपके अगर विजन के साथ में मेल खाता है ना, तो वो आपका बिजनेस कभी भी बन सकता है फॉर दैट मैटर. तो इसलिए आई एम श्योर कि अगर वो तीन कंपनी तक बात नहीं रुकेगी, वो फोर्थ और फिफ्थ अपने आप ही होने वाली है. लेकिन कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली पाइपलाइन में है, और बहुत जल्दी हम लोग सबके सामने शेयर करेंगे इसको. तो एक ऑन एन एवरेज एक कंपनी को शुरू करने, स्टार्टअप से लेके वो सेल्फ रनिंग मोड में जब पहुंच जाती है, तो वो कितना लंबा समय होता है आपके हिसाब से, एक एवरेज? अगर मैं अपनी पहली कंपनी की बात करूं तो डेफिनेटली उसको एस्टैब्लिश होने में और उस लेवल पे आने में लगे 15-1 साल लगे. 15 साल? हाँ. लेकिन बाकी दो की कंपनी की जो स्थापना हुई वो पिछले लगभग 5 सालों के अंदर अंदर हुई. मतलब यू आर गेटिंग फास्टर एंड बेटर. यस. आपने अब तक के सफर में अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट, आप अचीव तो बहुत कुछ किया है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट उसे आप क्या मानते हैं अब तक की, जितना कुछ आपने अचीव किया? देखिए, जब शुरू हमने किया था तो हमने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट के साथ में शुरू किया था, और हर प्रोजेक्ट हमारे लिए एक अचीवमेंट के बराबर हुआ करता था. और फॉर दैट मैटर आज भी जब एक नया प्रोजेक्ट हमारी कंपनी में आता है और एग्जीक्यूट होकर जाता है, मैं पर्सनली उसको ये चेक करता हूँ कि क्या उसकी क्वालिटी सेम है जो हम लोग उम्मीद करते हैं, क्या वो हमारे उस विजन से मैच खाता है कि हम जिसको भी वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं. वी फॉलो ए प्लस वन पॉलिसी इन आवर कंपनी. प्लस वन पॉलिसी. यस. और ये पॉलिसी हमारी पूरी मैन पावर में, हमारे पूरे वेंडर ग्रुप के अंदर हमेशा होती है कि जितना आपसे उम्मीद है आप उसे एक स्टेप ज्यादा देंगे. आपसे उम्मीद अगर 100 की है तो हम लोग 101 देंगे, अगर आपसे उम्मीद 50 की है तो 51 देंगे. इट्स ऑलवेज प्लस वन. दैट मीन्स कि आपसे एक्सपेक्टेशन हमेशा बियॉन्ड होना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोग अपने आप को पुश करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को पुश करते. सही बात. और पुश करके इसमें सभी का फायदा कैसे है, जो अपनी बाउंड्री पुश कर रहा है वो डेवलप होता है, जिसके लिए बाउंड्री पुश हो रही है, इन दिस केस क्लाइंट, जिसके लिए बाउंड्री पुश हो रही है उसको एक बेटर प्रोडक्ट या बेटर सर्विस मिलती है. और जब हम लोग इसे बेटर सर्विस देते हैं तो हमारे विजन को इनलाइनमेंट मिलती है. वापस हम लोग उसी रोल पे आते हैं कि क्या हम किसी बिजनेस या किसी इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प कर रहे हैं. बहुत खूब, बहुत खूब. आई एम सो अमेज्ड एट द वे यू थिंक.
ऑफ कोर्स अगर आपने मैन पावर की बात की है तो आप हैप्पी मैन पावर में एक तरह से विश्वास रखते हैं, ये बताया गया है. आपका मानना है कि वर्किंग प्लेस पर एक खुशनुमा और स्ट्रेस फ्री माहौल रखकर ही आप अपने एम्प्लॉयज में बेहतरीन काम उनसे करवा सकते हैं. तो हमें ये बताइए कि आप ऑफिस में किस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसे कैसे क्रिएट करते हैं और प्रोडक्टिविटी जो है किस तरह से बढ़ती है. ऐसे सबसे पहली बात जो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि हम लोग वर्ड एम्प्लॉय यूज नहीं करते अपने ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बुलाते हैं आप? हम लोग उनको मेंबर्स बोलते हैं. मेंबर्स, हाँ. मतलब साथी हो गए एक तरह साथी से. जी. और जब आप मेंबर्स की बात करते हो तो आपके दिमाग से, आपके दिल से वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की फीलिंग एकदम आउट हो जाती, निकल जाती है. हम सब एक ही लेवल पे, एक ही रैंक पे काम करते हैं. हम सब एक ही फ्लोर पर, एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं. हम सब एक ही विजन के लिए काम करते हैं और एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं. फॉर दैट मैटर, मैं खुद अपनी कंपनी से रिसर्च डिजिटल, भारत इन्फोटेक या शो टू क्लाइंट के लिए काम करता हूं. जब हम सब मिलके एक किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और उस कंपनी के विजन के लिए काम करते हैं जो फाइनली क्लाइंट के लिए काम करिए, तो आप एक पूरे प्रोसेस को आप नीचे से ऊपर तक देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोग इस चीज को स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं. वो जो हैप्पीनेस है वो कैसे एंड टू एंड होती है, कैसे वो क्लाइंट से लेके डाउन द लाइन से मेंबर्स तक या वेंडर्स तक जाती. बहुत खूब, वंडरफुल. 2016 में सिलिकॉन रिव्यू मैगजीन ने आपकी कंपनी को एशिया की 30 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में एक खास जगह एक तरह से दी थी. उस मैगजीन में मैंने यह भी पढ़ा था, उसमें एक इंटरव्यू में आपने एक वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बात की थी. तो क्या आप इस लक्ष्य के काफी करीब हैं, दूर हैं या बहुत ज्यादा दूर हैं? क्या वो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है या नहीं? अमन जी, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हमारे स्ट्रेटेजी में और प्लान में शामिल होती हैं. और विद गॉड ग्रेस जितनी भी चीज़ें आज तक हमने प्लान की हैं वो मोर लेस ऑन टाइम में रही हैं. अच्छा. तो जो मैंने उस जमाने में क्लेम किया था आज बहुत हद तक बहुत करीब है उस लक्ष्य के. और उस प्लेटफॉर्म को जो हम लोग कंपनी फॉर्म की है शो टू क्लाइंट्स, वो उसी प्लेटफॉर्म को बिल्डअप करती हुई आगे बढ़ रही है. तो व्हाट इज ये प्लेटफॉर्म है क्या? शो टू क्लाइंट वर्ल्ड का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी प्रेजेंटेशंस अवेलेबल होती हैं. अच्छा. वो एक सिंगल जगह पे हैं. आज बहुत सारे अलग अलग मीडियाज अवेलेबल हैं जहां पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जहां पर फिल्म्स पड़ी हुई हैं, जहां पर सॉन्ग्स पड़े हुए हैं. और ये मेरी अपनी पर्सनल एक तरीके से कहें कि रिसर्च रही है कि एज ए बिजनेसमैन आपको अगर राइट डायरेक्शन या राइट वीडियो या राइट प्रोडक्ट सर्च करना हो तो जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म है उन सब के ऊपर ढूंढना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. हमने शो टू क्लाइंट को इसी ढंग से फॉर्म किया और जैसे हमने उस जमाने में क्लेम किया था कि हम लोग ऐसे किस प्लेटफॉर्म पे काम करें जहां पर आपको विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम यू कैन इमीडिएटली गेट योर वीडियो, यू गेट योर प्रेजेंटेशन और यू गेट दैट प्रोडक्ट और सर्विस. जो सर्विस आपको चाहिए बिल्कुल आप उस तक पहुंच जाएंगे. जी, और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. अच्छा. ये प्लेटफॉर्म सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है जिसमें प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल वीडियोस अपलोड होते हैं और यही जो देखने वाले लोग हैं वो भी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं. तो इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीज शामिल नहीं है, कोई भी सॉन्ग्स मूवीज शामिल नहीं है. तो आपकी सर्च बड़ी रिफाइन हो जाती है, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है और आप बहुत क्विकली उन चीजों को जिसे आप ढूंढ रहे हो आप वहां पे सर्च कर पाते हो और यूज कर पाते हो, तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं. जी जी. हमने ये भी सुना है कि आप आजकल एक किताब, एक बुक लिख रहे हैं. अपनी इस बुक के कंटेंट के बारे में हमें कुछ बताएं. लोग यहां डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि वो किताब क्या है, किस चीज के बारे में. वो किताब मैंने बहुत पहले कभी शुरू की थी और बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस ढंग से उसका किताब की शुरुआत हुई कि एक जो काम मैंने डे वन से किया कि हम अपने कस्टमर के साथ में बैठते थे, मैं उनसे कभी भी इमीडिएटली प्रॉब्लम की बात नहीं करता था, उस सॉल्यूशन की इमीडिएटली बात नहीं करता था. मैं उनसे सबसे पहले बात पूछता था कि सर कंपनी का विजन क्या है, आपकी कंपनी का विजन क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज क्या है. सो आप देखेंगे कि हम जहां कंपनी के विजन, उसके बाद मिशन और उसके बाद उस कंपनी के चैलेंजेस की बात करते हैं तो यू गेट द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम. जी. इंस्टेड की आपने मुझे बोला और मैंने इमीडिएटली एक सॉल्यूशन बना के आपको दे दिया, लॉन्ग रन में आपको नहीं समझ आएगा वो सॉल्यूशन क्योंकि वो बड़ा क्विक रेमेडी की तरह काम कर रहा है. अगर आपको किसी को सस्टेनेबल सॉल्यूशन देना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक एनवायरमेंट अबाउट द कंपनी. जी. सोच कैसी है, काम कैसे हो रहा है, लोग कैसे हैं और उसके बिहाफ पे आप जो सॉल्यूशन बनाते हो वो लॉन्ग टर्म तक जाता है. तो आपकी किताब में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी पहले. हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि आपको जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है कि मैं उनसे बात करता हूं और बात करते करते हम एक लेवल पे
अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं और उस बिल्डिंग के बाद हम लोग एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है। अब जब मैं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई कंप्लीटली, तो अब मैं कई बार क्लाइंट से जब मिलता हूं तो मुझे हमेशा एक गैप नजर आता है कि उसको जब भी चाहिए बड़ा क्विक सॉल्यूशन चाहिए, और जब हम बात करते हैं कि नहीं इतना लंबा क्विक सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपको, आपको इमीडिएट रेमेडी नहीं चाहिए, आपको एक लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल पार्टनर्स चाहिए। तो क्या ये क्लाइंट्स इस बात को मान जाते हैं आसानी से कि भाई फिलहाल, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लंबा सॉल्यूशन होगा समय ज्यादा लगेगा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे ये अभी छोटा सा करके जल्दी से दे दीजिए, सो इज इट वेरी डिफिकल्ट क्लाइंट को समझाना? मैंने एक बात हमेशा नोटिस की है कि जब आप उनकी तरह से सोचते हो, उनकी तरह से आप बात करते हो, तो आप अपनी बातें भी उतनी अच्छे से उनको समझा सकते हो। तो 90% केसेस में मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं हुई जब उनको ये बात समझाने में कि प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए या एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम का। और इरिस्पेक्टिव वो सॉल्यूशन हमारी कंपनी देती कि नहीं देती, अगेन मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, जो हमारी कंपनी से पॉसिबल है, जो बाहर से पॉसिबल है, जो मेरी जानकारी से पॉसिबल है, हम हर तरीके से एक्सटेंड करते हैं। ये जो बुक है ये एक्चुअल में उसी विषय पे लिखी जा रही कि हम एज ए बिजनेसमैन कहां पर आके स्ट्रकअप हो जाते हैं, कहां पर हमारी बाउंड्रीज बन जाती है और हम अपने आप को बड़ा हेल्पलेस सा फील करना शुरू करते हैं। हमें ऐसी कौन सी चीजें जो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने से रोकती है, और उन चीजों के अगर आप स्टेज वाइज सॉल्यूशंस की बात करो तो वो स्टेज वाइज सॉल्यूशन मैंने कोशिश की है कि उस बुक में, मैं उस किताब में लिखे जाएं। आपकी कंपनी रिसर्चे डिजिटल सरकार और कुछ एनजीओस के साथ मिलकर काफी सोशल प्रोग्राम्स भी करती है, उनके बारे में कुछ हमें बताएं, इन सोशल प्रोग्राम्स के बारे में। समाज में वो डिस्कनेक्ट मैंने हमेशा से ही देखा है। जब शुरुआत में हम लोग इग्नू के साथ में कुछ दिन जुड़े तो किसके साथ? इग्नू। ओके, इग्नू के साथ हम जब जुड़े तो वहां पर हमें दूर दराज गांव में भी काम करने का मौका मिला। अच्छा, वहां जाके हमें पता चला कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज उनके आसपास भी नहीं है, दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट दैट टर्म। और एक तरफ जहां हम इतनी आगे जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ समाज का एक तबका है जो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कलेक्टिवली डेवलप कर रहे हैं। सही बात। और कलेक्टिवली डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आप समाज के हर लेवल पे पहुंच सकें, सबको अपने साथ लेके चले। जी, तो उसी कोशिश का एक हिस्सा है कि हम सरकार और एनजीओ के साथ में मिलकर, जहां पर उनका सेम विजन है, जहां पर वो सेम एक्टिविटी करते हैं, हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उनके साथ मिलकर वो प्रोग्राम्स करें, उन लोगों तक पहुंचें। हाल फिलहाल में जैसे हमने नेहरू युवा केंद्र के साथ में काम किया और उनके अपने एक सेल्स के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका मार्गदर्शन किया कि डिजिटल आपकी लाइफ में क्या चेंज ला सकता है, और डिजिटल का मतलब आज सिर्फ एक कंप्यूटर बन के नहीं रह गए बल्कि आपका स्मार्टफोन भी डिजिटल डिवाइस है और उससे भी आप सारे वो काम कर सकते हैं जो कि आप कंप्यूटर से करते हैं। सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आज हमारे शो के माध्यम से आपको लाखों लोग यहां पे देख रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप ही के जैसे सक्सेसफुल या प्रोफेशनल सर्विसेज के फील्ड में सफल करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो आप जैसा बनना चाहते हैं? मेरे जैसा बनने से बेहतर है कि आप अपने जैसा बने, और एक जमाने में मैं भी अपने जैसा बना था, तो आज मैं चाहता हूं हर एक कोई अपने अपने जैसा बनने की कोशिश करे। आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, ऑफकोर्स, और आप उसको चेज करते हुए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। अगर आपका विजन बड़ा है तो आप किसी भी विजन को अचीव करने की क्षमता रखते हैं। इफ योर माइंड कैन कंसीव दैट थिंग, द माइंड कैन अचीव दैट थिंग। हरी जी, आपसे आज बातचीत करके आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि अपने सपनों को साकार करने के लिए जोखिम उठाने का साहस आप में होना चाहिए। कामयाब वो ही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अलग, कुछ नया करने का साहस रखते हैं। मुश्किलें आना एक तरह से लाजमी है, लेकिन हर मुश्किल का समाधान निकालकर आगे बढ़ते रहने वालों की जीत अवश्य होती है। हरीश जी, आप हमारे शो पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए एक छोटा सा मोमेंटो आपको देना चाहेंगे, एंड आई एम श्योर कि यू विल लव दिस। एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, आपने इतना समय निकाला यहां पे आए और इतनी सारी बातें आपने यहां पे हमें बताई। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे मेहमान हरीश सैनी। अगर आपको भी लगता है कि इन्हीं की तरह की सक्सेस स्टोरी आपकी भी है और आपको लगता है कि हमारे देश की जनता आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकती है, तो हमें लिख भेजिए ऑन info@safarkamyabika.com पर।
आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9599506639। अगर आपकी कहानी वाकई प्रेरणा सूत्र है, इंटरेस्टिंग है, तो हम आपको हमारे शो में जरूर बुलाएंगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी शो के अगले एपिसोड में, जिसका नाम है द CSR जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का, इन एसोसिएशन विद सकर्णी प्लास्टर, और हमारे फैशन पार्टनर हैं एब्सोल्यूट हो, द फाइनेस्ट साइड ऑफ फैशन। तब तक के लिए मैं अमन यतन वर्मा आपसे विदा लेता हूं इस शेर के साथ। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। नमस्कार, जय हिंद। आपको वॉलपोटी का स्पेशलिस्ट चाहिए, ये लीजिए सकर्णी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकर्णी वॉल गार्ड। सकर्णी वॉल गार्ड, रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं।